बताई गई है फलानी फलानी चीज ठीक होती है तो कोई सवाल नहीं उठेगा। लैंसेट एंड पबमेड मेडिकल की वो जर्नल है जिसको दुनिया के सभी लोग मानते हैं। इसके अलावा दुनिया भर की मेडिकल जर्नल जो होती है उसमें रिसर्च छप चुका है। आज दुनिया का सबसे बड़ा फोकस अगर है तो इस काउ कोलेस्ट्रम यानी आईजीजी के ऊपर है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, लोगों को आज इसकी रियल वैल्यू पता नहीं है, पता नहीं आपको भी आज इसकी रियल वैल्यू कितनी पता चलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कहूंगा इसको आप यूज करके देखिए तो आप इसकी वैल्यू को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, ये देखिए मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी, ऐसे अनेक प्रकार की मेडिकल जर्नल छप चुकी है रिसर्च के आधार पर। ये कुछ किताबें मैंने यहां रखी है स्क्रीन पे, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है यानी कि कोई डॉक्टर भी इस पे सवाल नहीं उठा सकता, उस लेवल का रिसर्च का ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर कम से कम 100 जितने अलग अलग तत्व पाए गए हैं इस गाय के पहले 3 दिन के दूध के अंदर। चलिए अब ये स्लाइड को एक बार देख लीजिए, ये स्लाइड दो बार आएगी, इस पीपीटी दो बार आएगी। क्या लिखा है आगे मैं बताऊंगा इन ग्रोथ फैक्टर के बारे में, बताने के पहले कीमत बता रहा हूं और बता देने के बाद फिर से कीमत रिवाइज होगी। देखिए 9 ग्रोथ फैक्टर 180,000 का एक इंजेक्शन, 180,000। एपिथेलियल सेल्स ग्रोथ फैक्टर यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 90,000। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1,84,800। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1,12,500। इंसुलिन लैग ग्रोथ फैक्टर 1,36,000। इंसुलिन लैग ग्रोथ फैक्टर 2,87,100। ये इंटरनेशनल प्राइस है। अब थोड़ा सा फोकस इस पे करना जरूर। ये बनता है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा या ईकोली वगैरह से बनता है, या कई जानवरों के लिवर्स में से भी केमिकल निकाल के कुछ बनाया जाता है, ऐसे ये दूसरे सोर्स से बना है, इसलिए ये महंगा है। आने वाला मेडिकल साइंस का इतिहास जो लिखा जाएगा अलग तरीके से लिखा जाएगा। अभी क्या लिखा गया है, एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये सब है ना, लेकिन आने वाले समय में अब ग्रोथ फैक्टर का युग शुरू हो चुका है, ये युग है उसका। उसमें मैंने इम्यूनोग्लोबिन IG IgM जो इम्यून रिलायंस उसकी प्राइस इसमें नहीं डाली है, वो सब मिलाए गए तो इसकी प्राइस कितनी होती है, आप जरा टोटल करेंगे क्या इसका कितना होता है। देखिए 2,70,000 हो गया, 3,70,000, 4.5, कम से कम समझो ना 7 लाख के करीब जा रहा है। इतना अगर आपको इंजेक्शन के रूप में लेना 7 लाख, ये 7 लाख की चीज आपको कितने में लेना चाहोगे अगर मिलता है तो, इससे कायाकल्प होता है निश्चित है, इससे कुछ अलग हो जाओगे आप निश्चित है, लेकिन इससे कुछ अलग हो जाओगे इसके लिए कितना पैसा आप देना चाहेंगे। सिर्फ 1,350 रुपये में डिस्काउंट प्राइस, इतना है डिस्काउंट जिंदगी में हमें कोई चीजों में नहीं मिला होगा। प्लस इसको लेने के लिए आपको सिग्नेचर करना पड़ता है एक पेपर पे, कुछ रिएक्शन आया तो आप रेस्पॉन्सिबल लेंगे। अपना वाला सेफ, 100% सिक्योर, नो साइड इफेक्ट, ऐसा अद्भुत आपको सहज 1,350 के भाव में मिल रहा है, जस्ट 1,350। सरप्राइज हो रहा है, ये एक ही प्रोडक्ट सब कुछ कर सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो अब इसकी शुरुआत हो चुकी है बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में, जो लोग काफी पैसे वाले हैं उनके ऊपर यही दवाई दी जाती है उनको इलाज के लिए। ग्रोथ फैक्टर देखिए कितनी कीमत है, 7 लाख प्लस ही जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, और कुछ चीजों की कीमत डाली नहीं है इसमें। तो ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट हमें सहज मिल रहा है इसलिए हम इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे, इसीलिए खास आज IGG के ऊपर ट्रेनिंग रखने का मकसद यही था कि इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक अच्छी तरह डिटेल जानकारी दे पाऊं। ये ग्रोथ फैक्टर की बात करेंगे तो इसके अंदर अनेक प्रकार के ग्रोथ फैक्टर है, कुछ चीजों की प्राइस अभी निकालनी बाकी है, मैंने सिलेक्टेड चीजों की प्राइस अभी ढूंढी है,
जब नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेनिंग लूंगा तो ट्रेनिंग मॉडल और चेंज हो गया रहेगा। देखिए इसके अंदर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लैग ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लैग ग्रोथ फैक्टर 2, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, नर्व ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीजिंग फैक्टर, ऐसे अनेक प्रकार के ग्रोथ फैक्टर हैं। ये सब अगर रियल में प्राइस निकालेंगे ना तो 12 से 15 लाख रुपया होता है, जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के टाइम में इसकी और दूसरे चीजों की प्राइस निकालूंगा। यानी कि आईजीजी के अंदर जितना है उसकी प्राइस मुझे लगता है 15 लाख को भी क्रॉस करेगी, लेकिन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के टाइम वो पूरी डिटेल में यहां रखूंगा पूरा आरएनडी करके। चलिए देखिए हमने क्या देखा, इतने ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है, हम इसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज जानकारी लेंगे, करीब करीब सारे लेंगे हम। सबसे पहले है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जिसको ईजीएफ भी कहते हैं, ईजीएफ। आजकल आपको शायद पता होगा कॉस्मेटिक के बहुत महंगे प्रोडक्ट में ये यूज होता है, जिस कॉस्मेटिक की कीमत 5-5, 7-7 हजार होती है। कई प्रकार के क्रीम में भी यूज होता है, कुछ कॉस्मेटिक वाले को ये ज्ञान होगा, लेकिन आप नोट करके रख सकते हैं इस बात को। अब ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के कुछ कार्य होते हैं बॉडी में, ये कुछ काम करता है, क्या करता है? इसका पहला काम है सेल प्रोलिफरेशन, दूसरा काम है सेल डिफरेंशिएशन, एंजियोजेनेसिस एंड एंटी एपोप्टोसिस। तो चलिए पहले हम देखते हैं सेल प्रोलिफरेशन। हमारा ये शरीर सेल्स से बना है, 60 ट्रिलियन सेल्स से लगातार सेल्स पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, क्रिया हमारे शरीर में चलते रहती है। सेल्स का मरना फिर पैदा होना, सेल्स की लाइफ पता है आपको 120 दिन होती है, 120 दिन, फिर मरते हैं, फिर पैदा, प्रोसेस चलते रहती है। तो सेल प्रोलिफरेशन का मतलब यह है कि सेल्स बनने की घटना को अच्छी तरह होने देना, वो काम एपिडर्मल का है, उस घटना को सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं। सेल प्रोलिफरेशन यहां ध्यान दीजिए, इसके साथ सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि कंटिन्यू सेल्स मरने वाले हैं फिर पैदा होने वाले हैं ना। मान लो किसी के लंग्स के सेल डिजेनरेट हो रहे हैं, या किसी के घुटने के, किसी के पैनक्रियास के, किसी के ब्रेन के, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्रोलिफरेशन के दौरान, यानी सेल्स बन रहा है तब, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्रोलिफरेशन के दौरान यह नक्की करता है किसने क्या बनना है। ये कहता है जाओ लंग सेल बन जाओ जरूरत वहां, ये कहता है जाओ घुटने के सेल बन जाओ जरूरत वहां, ये कहता है जाओ ब्रेन के सेल बन जाओ जरूरत वहां है, जाओ किडनी के सेल बन जाओ जरूरत वहां है। इसको कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। जब तक ये घटना हमारे शरीर में अच्छी चलती है तब तक हमारे सेल से बाल से पैर के नाखून तक हर जगह, हर टिश्यू, कार्टिलेज, ऑर्गन सब कुछ सलामत है, क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन का काम है वहां पैच लगाते रहना, जाके करते जाओ टचअप 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 टचअप, हर पुर्जे को मेंटेन। लेकिन जब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर वीक होगा तो ये घटना ढंग से नहीं चल पाएगी, तब जाके प्रॉब्लम शुरू होता है। इसका काम है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब यह है कि प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बनाकर नेचुरल बाईपास। आपको पता है बाईपास क्या होता है? मुझे एक मरीज ने आके कहा डॉक्टर साहब मैंने बाईपास करा लिया। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया, अब बाई रही नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आपके दिल में अब बाई नहीं रही। बाईपास करने से दिल में से बाई निकल जाती है, अब आपको कोई खतरा नहीं, कभी भी जा सकते। तो कोई बहादुरी का काम किया क्या? बाईपास क्या है? बाईपास का सीधा एक ही मतलब होता है, पैर या हाथ की आर्टरी निकालकर एक नया रास्ता बनाया, प्लंबरिंग का काम है ये। यहां से पानी नहीं जा रहा, प्लंबरिंग की, और पानी यहां से घूम के अब जाएगा, यहां से नहीं जा सकता, अब यहां से ऐसे घूम के जाएगा। तो पैर या हाथ की आर्टरी निकालकर नया रास्ता बना। एक एग्जांपल लेते हैं हम, ध्यान दीजिए इधर, आपके घर में बाथरूम में पानी जाने के लिए यहां पर रास्ता है, वो बंद हो जाता है, आप तुरंत प्लंबर को बुलाकर क्या करते हो? आप यहां एक रास्ता बना लेते हो दूसरे कोने में, यही करते हैं ना हम लोग।
ये नहीं करते, ओके गुड, ये नहीं करते, हम उसी को ठीक करते हैं। लेकिन चलो हम लोग ज्यादा अकलमंद हैं, यहां बना लिया हमने रास्ता, अब ये रास्ता भी बंद होगा क्योंकि पहला रास्ता इसलिए बंद हुआ था जाली नहीं थी, साबुन के रेपर जा रहे थे, बाल जा रहे थे, कचरा जा रहा था, चलिए हम बहुत होशियार आदमी है, दूसरा रास्ता बनाया। लेकिन इधर जाली नहीं लगी है, फिल्टर नहीं लगी है, केयर नहीं करेंगे तो ये भी बंद होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाईपास करा ले यानी अब सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाईपास में पैर या हाथ की आर्टरी से नया रास्ता बनाया, लेकिन ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया साबुन के रैपर, बाल वगैरह, जिस तरह बाथरूम में जाने से दूसरा रास्ता बंद होगा, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज बनाने की प्रक्रिया जारी है आज भी। इसीलिए कुछ साल बाद दोबारा ब्लॉकेज होता है। लेकिन रिसर्च से यह प्रूव हुआ है, क्या प्रूव हुआ है कि नेचुरली जैसे बाईपास पैर या हाथ की आर्टरी से किया जाता है ना, अगर रास्ता नहीं खुला, कब नहीं खुलता मालूम है, मान लो कि एक ऐसे गोल आर्टरी है, गोल आर्टरी का ये डायमीटर पानी बहने का, पाइपलाइन तो ऐसी है, उसका रास्ता होगा ना ऐसा, जैसे देखो ये, तो यहां से ऐसे ब्लड जा रहा है, तो अगर ये ब्लॉकेज 90% है तो कैसा रहेगा, शुरुआत का जो रहेगा 90% में से दीवार से लेके शुरुआत का जो रहेगा ना, शुरुआत का वो सॉलिड होता है, उसको मेडिकली एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी वो सीमेंट और दीवार जैसा हार्ड होता है, समझो 40%, 50% बनेगा क्लॉट और 10% खुला है। जब वो सॉलिड रहता है ना वो टूटता नहीं है, लेकिन वो 50% वाला हट सकता है, और 50% हट गया 10 खुला है तो कितना खुल गया, 60% खुल गया ना, ओके। ऊपर वाले ने हमारी आर्टरी को 200% कैपेसिटी दी है, जब तक इंसान को 50% ब्लॉकेज होता है तब तक उसे हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम शुरू होता है 50% से जाने पे आगे, तो क्या करता है वो क्लॉट खुल जाएगा, लेकिन कभी क्लॉट नहीं खुल पाता है तो ये क्या करेगा, एंजियोजेनेसिस यानी कि एक नया रास्ता बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि इस पहाड़ से उस बाजू जाना है तो एक नया रास्ता बना दिया उस बाजू जाने का, यानी कि एंजियोजेनेसिस यानी कि नेचुरल बाईपास काउ कोलोस्ट्रम यानी IGE से होता है। ये देखिए बनना शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया यहां से, ऐसा ये प्रूव हुआ है लैंसेट में, इसके बारे में जानकारी है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि सेल जब पैदा होता है तो उसके अंदर प्रोग्राम है, प्रोग्राम सेल्स डेथ, सेल्स कब मरेगा ये प्रोग्रामिंग अंदर मौजूद है, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करके सेल्स की लाइफ को बढ़ाना उसको एंटी एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल्स डेथ, एंटी एपोप्टोसिस में हमारे सेल्स के उस प्रोग्राम को चेंज करके हमारी सेल की लाइफ को बढ़ाना उसको कहते हैं एंटी एपोप्टोसिस। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंटी एपोप्टोसिस है जिसके कारण इंसान को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हम कितना जी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसर्च इंसान 120 साल जी सकता है, लेकिन बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी 4 महीने की उम्र से 40 साल तक में हम इतने कंगाल हो जाते हैं कि 50% डिस्काउंट लेना पड़ता है, 60 में चले जाते, कोई 40% डिस्काउंट लेके चले जाता है। डिस्काउंट क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अब बचा ही नहीं है ना, अंदर की आपकी लड़ाई की सिस्टम खत्म हो चुकी है, लड़ेगे कहां भाई, लड़ते रहोगे तो 120 साल जियोगे ना, लेकिन इम्यूनिटी पहले 40 साल में खत्म कर दी, फिर क्या करोगे, फिर तो कोई पूरा गांव ही खत्म हो गया आपका, एक किडनी गई, लीवर गया, कभी हेडक्वार्टर ही उड़ जाता है, ब्रेन हेमरेज, हेडक्वार्टर ही गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, चलो भाई बाय बाय। तो इस तरह ये एंटी एपोप्टोसिस है। चलिए नेक्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, दूसरा ग्रोथ फैक्टर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में,
सबसे पहले इसका काम है ग्रोथ का मतलब बनाते रहना, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इसका पहला काम क्या है? एंजियोजेनेसिस में हेल्प करना। एंजियोजेनेसिस यानी कि प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बननी शुरू होती है, तो एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर मिलकर उसको बनाना शुरू करते हैं। इसका काम है जख्म को हील करना। अगर एक जख्म हो गया, हील नहीं हो रहा, हीलिंग कब होगा? जब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर सेल्स बनाएगा तो उस खड्डे को, अभी रोड समझो खराब हो गया, बरसात आना है, तो खड्डा भर के लेवल करना वो क्या है? उस प्रक्रिया को कहेंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के जरिए होता है। यानी कि वो अलग से आपको मटेरियल तो लाना पड़ेगा उसे लगाने, तो अलग से सेल्स बनाने का और उसको लेवल करने का, उस वुंड को हील करने का, वो काम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि गर्भ के विकास में ये मदद करता है। देखिए एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, ये गर्भ के विकास में मदद करता है। जब गर्भ का विकास हो रहा है तो एपिडर्मल में फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के कारण हाथ, पैर, नाक, आंख, पुर्जा, प्रपोष्ठ, नली डेवलप होता है गर्भ के अंदर, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सब कुछ। जख्म को हील करना देखा हमने, एक मिनट है इसमें आगे फिर से बस जाए, ओके, और आगे गर्भ के विकास में मदद करता है। इन दिनों आपने कॉमनली सुना होगा, इन दिनों क्या सुना है कॉमनली? डॉक्टर कहते हैं गायने की गर्भ का विकास नहीं हो रहा है, गर्भ का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे केस में अगर आईजीजी एक एक गोली तीन बार या एक एक गोली चार बार चूसने को दी जाए तो नेक्स्ट मंथ के रिपोर्ट में, उसका सोनोग्राफी रिपोर्ट नेक्स्ट मंथ का अच्छा आने की पूरी संभावना है। रिसर्च हुआ है गर्भ का विकास, अद्भुत है ये। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन, इसको 1970 में इसकी पहली बार रिसर्च हुई, तब इसका नाम था सल्फेशन फैक्टर के नाम से जाना जाता था, सल्फेशन फैक्टर। 1980 में इसको सोमेटोमेडिन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुझे इसका ये नाम ठीक नहीं लगता है, इसका नाम होना चाहिए, ये इसलिए रखा है कि इंसुलिन का और आईजीएफ का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एक जैसा है, उसका जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की जो चेन है वो एक जैसी है, इसलिए इसका नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन है। इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को मैं कहूंगा इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि ये कोई भी पुर्जे में जाके रिपेयर, रिडिजाइन एंड रिस्ट्रक्चर कर सकता है। सादी भाषा में कहेंगे तो यही वो ईश्वर है, यही वो कुदरत की सत्ता है जो हमारे शरीर में बैठी है, इससे सब कुछ हो सकता है। जब कुछ नहीं होता है तो सब कुछ इससे होगा, क्योंकि ये स्लाइड पे बड़ा ध्यान देना, आज तक साइंस मानता था कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच गादी होती है, दो हड्डी आपस में टच नहीं होती है, जैसे इस ज्वाइंट में भी है, व्रिस्ट ज्वाइंट में भी है, एल्बो में भी है, गादी है बीच में। लेकिन कॉमनली घुटना, कमर, सर्वाइकल की गादी घिसने का हमें नॉलेज है, बाकी नहीं है, उसे कार्टिलेज कहते हैं। आज तक साइंस मानता था कि कार्टिलेज एक बार डिजेनरेट हो गए तो वापिस नहीं बनेंगे, उसको तोड़ा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन ने, उस सिस्टम को तोड़ा है। ये मसल्स बनाता है, मसल सेल्स बनाता है। जैसे एक बीमारी है जिस बीमारी का नाम है मस्कुलर डाइस्ट्रोफी, जिसमें मसल सेल डिजेनरेट होने की बीमारी होती है। जिस इंसान को बीमारी होती है पैर के हुई, थाई में हुई, तो थाई के मसल डिजेनरेट होके उसका पैर बिल्कुल ऐसे स्टैंडिंग एक लकड़ी जैसा हो जाता है। कमर में भी होता है, कमर के मसल्स में भी बीमारी हो सकती है, सर्वाइकल में होते, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। दुनिया में इसका इलाज नहीं है, ऐसे केस में डेफिनेटली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वन हेल्प करेगा। ये बोन को बनाए मदद करता है, लीवर को, किडनी को। आपको पता है एक बीमारी है किडनी फेल होना, यानी मरीज चले जाता है डायलिसिस पे। कितनी किडनी होती है? दो। लेकिन मरीज क्या करते हैं? डॉक्टर साहब एक मरीज की दोनों किडनी फेल है,
में दो ही होती है, फेल होगी तो दोनों ही फेल हो जाएगी ना। तो किडनी जब फेल होती है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। पहले होता क्या है, चेकिंग होती है क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन से पता चलता है। सीरम क्रिएटिनिन 1.5 के नीचे होना चाहिए, जनरली 1.1 1.2 ऐसा रहता है, इसको नॉर्मल किडनी फंक्शन कहते हैं। और यूरिया भी चेक करना होता है, लेकिन मेन क्रिएटिनिन। जब क्रिएटिनिन 1.5 को क्रॉस करता है तो समझ लीजिए किडनी में कुछ खराबी है, धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। जब क्रिएटिनिन 9 क्रॉस कर जाता है या 10 क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस यानी कि पेशेंट का पूरा ब्लड मशीन में जाता है, मशीन फिल्टर करता है, फिर उसको वापस भेजता है इस प्रक्रिया को। तो उस किडनी के सेल्स को भी ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 वापस बनाता है। ये बहुत बड़ी रिसर्च है, यानी कि किडनी के मरीज के लिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नर्व सेल। हमारी नर्वस सिस्टम जिस सेल से बनी है उसका नाम है न्यूरोन्स नाम के सेल से हमारी नर्वस सिस्टम बनी है। आज तक साइंस का मानना है कि नर्वस सिस्टम के सेल न्यूरॉन्स अगर डिजेनरेट हुए तो वो वापिस नहीं बनेंगे, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 उसको वापिस बनाता है। फिर क्या है, लंग्स। आज तक साइंस मानता था कि लंग्स के सेल्स वापिस नहीं बनते हैं, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 लंग्स के सेल्स को वापिस बनाता है। और फाइनली आज तक साइंस मानता था पैनक्रियास के बीटा सेल्स वापिस नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 उसको वापिस बनाता है, रीजनरेट करता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा, कार्टिलेज वापिस बनाता है, किडनी सेल, नर्व सेल, लंग सेल, डायबिटीज में पैनक्रियास के बीटा सेल, तो आप क्या सोचते हो आज दोगे और कल से बनना शुरू होगा? नहीं, जैसे ही आईजीजी दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो हिस्सा हमने पहले देखा वो उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड करना शुरू करता है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 डायबिटीज है तो पैनक्रियास के सेल्स को बनाना शुरू करेगा, घुटना है तो कार्टिलेज बनाना शुरू करेगा। लेकिन ये रीजनरेशन प्रोसेस के लिए साइंस क्या कहता है, 40 साल की उम्र, 4 महीने की उम्र से 40 साल तक में इतना घाटे का धंधा किया है, वो 4 दिन में रिकवर होगा? नहीं, 40 महीने लगेंगे उसके लिए, 40 महीने लगेंगे। तो साइंस कहता है कि अगर आपको 40 महीना यानी कि 3-3.5 साल अगर तपस्या करने की क्षमता है, पुराने राजा महाराजा लोग 2-2 साल तपस्या करते थे, जाके गौ सेवा करते थे, यही दूध पीते थे, एक्सरसाइज करते थे, कुदरत के वातावरण में रहते थे, तब जाके उनको कायाकल्प की उपलब्धि होती थी। अगर किसी इंसान की 40 महीना नहीं 3-3.5 साल खाने की तैयारी है, मान लो एक 60 साल का आदमी वो इसको खाना शुरू करे, तो जब वो 64 ईयर का हो जाएगा तो 55 जैसी रहेगी उसकी फिटनेस, और 70 का हो जाएगा तो 50 जैसी फिटनेस रहेगी, क्योंकि ये तो रिवर्स एजिंग से लेके बहुत कुछ करते आगे हम देखने वाले हैं अभी। क्लियर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये अगर बच्चों के अंदर कम बनेगा तो बच्चा ड्वार्फ बोना रह जाता है, बोना नॉर्मल बनेगा तो नॉर्मल हाइट होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बनेगा तो एक खली जैसा एबनॉर्मल इंसान पैदा हो जाता है, ओवर हाइटेड हो जाएगा। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 और इंसुलिन दोनों का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एक जैसा है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियास के सेल्स को रीजनरेट करता है, तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 इंसुलिन जैसा काम करता है, इस तरह डायबिटीज के मरीज के अंदर आईजीजी प्लस यूनिक रोल प्ले करेगा। नर्व ग्रोथ फैक्टर, हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स जो है न्यूरॉन्स कहते हैं उसे, जब ब्रेन हेमरेज होता है तो ब्लड न्यूरॉन्स पे स्प्रेड होता है और कई न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, या ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज होता है
तो कुछ हिस्से में ब्लड नहीं पहुंचने से न्यूरॉन्स डिजेनरेट होते, तो ब्रेन में हेमरेज होने से या तो ब्लॉकेज होने से पैरालाइज होता है, न्यूरॉन्स डैमेज हुए। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब एक इंसान को पैरालाइज हो गया हेमरेज या ब्लॉकेज से, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। किस लिए? इलाज कराने के लिए। तो आपको क्या लगता है, पैरालाइज का कोई अलग इलाज है? नहीं, पैरालाइज का कोई इलाज ही नहीं है। हकीकत में डॉक्टर लोग करते क्या है वहां, वो क्या करते हैं, साइड ट्रैक। बीपी हाई है, ठीक है कम करो, शुगर हाई है कम करो, प्रेशर कम करो, कोलेस्ट्रॉल कम करो, एसिडिटी कम करो, सब कम करते जाओ। साइड ट्रैक करते करते जब मरीज को कोई बीमारी होती है तो हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग मेथड होती है, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होती है। बॉडी की सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जितना प्रॉब्लम है उसमें से खुद को बाहर लाने की कोशिश करती है, उस कोशिश में साइड ट्रैक ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी को सपोर्ट मिलता है और काफी हद तक मरीज ठीक होता है। फिर डॉक्टर कहते हैं ठीक है अब इसको फिजियोथेरापी करो। क्या कहते हैं? अब इसको फिजियोथेरापी करो। एक्सरसाइज होती है फिजियोथेरापी, तो हम कहते चलो भाई इतना ठीक हो तो और रखो ना, 4 महीना पूरा ठीक करो, नहीं बोले अब फिजियोथेरापी करना पड़ेगा। ओके, एक्सरसाइज करो। क्या है एक्सरसाइज की परिभाषा? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने हाथ पे हिलाए उसे एक्सरसाइज कहते हैं, दूसरा करे वो कुश्ती है। फिजियोथेरापी अगर और एक्सरसाइज करा देगा तो शोल्डर डैमेज होता है, बहुत केस में डिसलोकेट होता है। कैसे पता चलेगा? उसके शोल्डर को ऐसे चेक करोगे ना ऐसे, तो पता चलेगा ऐसा गैप मिलेगा। गैप का मतलब वो जो बॉल है वो बाहर निकल आया, फिर वो ठीक नहीं होता है। इसलिए एक्सरसाइज बहुत लिमिट में करनी चाहिए। मैं एक्सरसाइज की परिभाषा कहता हूं, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से अपने हाथ पर हिलाए वो एक्सरसाइज है, दूसरा करे वो कुश्ती है। एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए कि सर्कुलेशन ठीक रहे। लेकिन फिजियोथेरेपी का कंसेप्ट इस बेस पे डेवलप हुआ है, ध्यान देना बात पे, इस बेस पे डेवलप हुआ है क्या हो गया? चलिए ठीक है, बोला ऊपर से बंद नीचे तो नहीं। फिजियोथेरेपी का कंसेप्ट इस बेस पे डेवलप हुआ है कि ये उंगली अगर हिल रही है ना हमारे राइट साइड की बॉडी को, नहीं कुछ नहीं होगा भागो मत, अच्छा ठीक। हमारी राइट साइड की बॉडी को हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड की बॉडी को हमारा राइट साइड का ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ये हाथ हिल रहा है ना लेफ्ट ब्रेन की वजह से, उंगली हिलती है लेफ्ट ब्रेन की वजह से, पैर हिलता है ये लेफ्ट ब्रेन की वजह से राइट वाला, तो अगर इसको एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि ब्रेन का वो एरिया स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट। ये कंसेप्ट है फिजियोथेरेपी का। लेकिन स्टिमुलेट होने से वहां का क्लॉट निकलने वाला नहीं है, और स्टिमुलेट होने से वहां न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते हैं। सिर्फ हाथ पैर को मूवमेंट इसलिए करना चाहिए ताकि वो जड़ ना हो जाए, लेकिन काम करेगा नर्व ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन लैग ग्रोथ फैक्टर 1 ब्रेन के न्यूरॉन्स को जब रिपेयर करेंगे और साथ में सर्कुलेशन को बरकरार रखने के लिए उसको मोमेंट देते रहेंगे तो पेशेंट को रिकवरी अनबिलीवेबल आएगी, अलग तरीके से रिकवरी आएगी। तो ये नव ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीटा लेवी नाम की लेडी ने इसके ऊपर संशोधन किया, उसको नोबेल प्राइज मिली है। रीटा लेवी को इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिली है। यही नो ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के फंक्शन को ठीक रखता है। हमारा ब्रेन जितने लंबे उम्र तक अच्छा रहे उतना हमारा शरीर का फंक्शन अच्छा रहता है, क्योंकि यह है हेडक्वार्टर। हमारे ब्रेन के जरिए हमारे सारे शरीर के सिस्टम कंट्रोल होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मैकेनिज्म सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल, ब्रेन में एक हिस्सा होता है सेंटर में हाइपोथैलेमस करके होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर हमारी हर सिस्टम के काल्पनिक केंद्र है, काल्पनिक केंद्र, खोलने के तो दिखेगा नहीं, केंद्र है। जैसे कि फूड इंटेक एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी सेंटर, इसका क्या मतलब है, ऊपर वाले ने इंसान को टंग और टेस्ट दिया है,
जिसके कारण वो ओवर ईटिंग तो करेगा, जब वो ओवर ईटिंग करता है तो ब्रेन का वो सेंटर क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनाएगा, ज्यादा केमिकल सिक्रेट करेगा और उसको पचाने के लिए मेहनत करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन वहीं से होता है, हमारे लंग्स की एक्टिविटी वहीं से ऑपरेट होती है, ऐसी कई चीज वहां से ऑपरेट होती है। इसीलिए कभी कभी देखो, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जैसे कि अचानक मेंटल शॉक लगा, हार्ट अटैक आया, चले गए, कि वो सेंटर कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन एक्टिविटी सेंटर में गड़बड़ हुई, ये भी एक कारण होता है। कुछ लोगों को फीवर नीचे ही नहीं आता है, बिकॉज ऑफ हीट रेगुलेशन सेंटर में गड़बड़ है, तब एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल सब रिपोर्ट आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज है, तो उसको भी बैलेंस में रखने का काम है नव ग्रोथ फैक्टर का। न्यूरॉन्स की एक्टिविटी, एक न्यूरॉन्स डिफरेंट प्लेस पे 60,000 उसका अलग अलग जगह पे नेटवर्क कनेक्शन होता है, जस्ट लाइक टेलीफोन एक्सचेंज। एक इंसान की याददाश्त अच्छी कब रहेगी, जब उसका न्यूरॉन्स की एक्टिविटी फास्ट हो एक्शन तक। तो इसीलिए मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है नव ग्रोथ फैक्टर से, आपको बहुत कुछ याद रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, बहुत कुछ रहेगा। प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट होने चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। जब ये उसके नीचे आना शुरू होता है तो प्रॉब्लम शुरू होता है, 1 लाख के नीचे 1.5 लाख के नीचे आए प्रॉब्लम शुरू होता है, 1 के नीचे आए तो प्रॉब्लम शुरू ज्यादा होता है, 50,000 के नीचे गए तो पेशेंट की हालत खराब होती है। डेंगू या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होती है, डेंगू या कई फीवर में प्लेटलेट नीचे जाता है। साइंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली वन ऑप्शन, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, फिर कम हो जाते, फिर चढ़ाने पड़ते, फिर कम हो जाते, ऐसा सिलसिला चलता है। इसलिए कि प्लेटलेट काउंट का कम होना ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनिटी यानी कि हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हाइपर वर्क कर रही है, उसको पहचान नहीं रही है, उसको अपना बॉडी का नहीं मान के उसको मार देती है, फिर प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते ब्लड से। लेकिन अपना ये IgG इसके अंदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर है प्लस प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करेगा, उसको समझाएगा कि भाई ये तो अपना है तो उसको मत मार, गलती मत कर, उसको समझाएगा तो वो समझ जाएगी सिस्टम, वो प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर नए प्लेटलेट बनाएगा। इस तरह अगर दो दो गोली 3 बार दी जाए चूसने को, चौथे दिन प्लेटलेट काउंट 50,000 है तो लाख होने की पूरी संभावना है, और 7 से 10 दिन में 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है, रिसर्च से प्रूव हुआ है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, ये जितनी बात मैं कह रहा हूँ ना उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि लैंसेट एंड पबमेड में रिसर्च के पेपर सबमिट है, इन सब चीज पे कार्य हो चुका है, होता है तो होता है, ओनली वन थिंग, होता है तो होता है। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ये करीब करीब 50 जितने अमाइनो एसिड से थोड़े कम अमाइनो एसिड से बना रहता है, ये अलग टाइप का होता है। इसका काम क्या है कि हमारी GI ट्रैक की अंदर की डैमेज को ठीक करता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर इसी संदर्भ में, यही स्लाइड मैंने, लेकिन ध्यान दीजिए बात, हमारे ब्लड को कंटिन्यू कैल्शियम चाहिए, वो कैल्शियम कहां से मिलता है, हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से हमारा ब्लड कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब हमारी इंटेस्टाइन इन्फ्लेम हो जाती है, यानी कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन का देखिए मेडिकल में कोई भी शब्दों के पीछे आईटिस लगता है, आईटिस, जैसे लेरिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, कोलाइटिस, आईटिस मीन इन्फ्लेमेशन, तो कोलाइटिस। जब इंटेस्टाइन इन्फ्लेम होगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब है पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इरिटेशन एंड हीट, ये मीनिंग है उसका। तो जब इंटेस्टाइन इन्फ्लेम रहेगी तो उसके जो पोर होते हैं वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो ब्लड को कैल्शियम कम मिलता है, कम एब्जॉर्ब होता है या नहीं मिलता है। लेकिन हमारे ब्लड को कंटिन्यू कैल्शियम चाहिए, तो हमारा हेडक्वार्टर
गले के अंदर ग्लैंड है थायरोइड, उसके अंदर होता है पैराथायरोइड, उसको ऑर्डर देता है पैराथ्रो हॉर्मोन बनाओ। पैराथ्रो हॉर्मोन क्या करता है, बोन के कैल्शियम को निकालकर ब्लड को देता है, इससे हमारा कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन बोन का कैल्शियम कम होते जाता है। फिर एक बीमारी पैदा होती है, उस बीमारी का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। बोन चौक जैसी हो जाती है, कभी भी टूट सकती है। तो क्या करते लोग, कहते हैं मैं कैल्शियम खा रहा हूं। कितने समझदार लोग, कैल्शियम खा रहा हूं। अरे भाई, आंतड़ी इंफ्लेम है, कैल्शियम खींचेगी नहीं, उल्टा उस कैल्शियम का लोड गिरेगा उस पर, कोई काम नहीं आएगा, बेकार। तो आंतड़ी इंफ्लेम है, उसकी इंफ्लेमेशन दूर करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। जब उसकी इंफ्लेमेशन दूर होगी तो इंटेस्टाइन जब कैल्शियम अब्सॉर्ब करेगी और ब्लड को कैल्शियम मिलेगा, तो हमारे हेडक्वार्टर को यह मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ेगा, इंटेस्टाइन कैल्शियम अब्सॉर्ब कर रही है। जैसे हेडक्वार्टर को मालूम पड़ा इंटेस्टाइन कैल्शियम अब्सॉर्ब कर रही है, वो हमारे थायरॉइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है कैल्सिटोनिन बनाने। कैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम को उठाकर फिर बोन को देने लगता है। हिसाब चुकता भाई, कर्जा नहीं रखता, चुकता हिसाब। ये लोग कहते नहीं नहीं हम तो बहुत स्मार्ट आदमी है, कैल्शियम के इंजेक्शन ही ले लो। ठीक है, इंटेस्टाइन इन्फ्लेम है, कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, कैल्शियम की गोली काम नहीं करी, इंजेक्शन लिया, ब्लड कैल्शियम बढ़ गया, लेकिन वो ब्लड का कैल्शियम बोन में जाएगा नहीं, क्योंकि वो बोन में जाने के लिए क्या चाहिए, कैल्सिटोनिन। ब्लड का कैल्शियम इंक्रीज होने से कैल्सिटोनिन नहीं बनता, आंतड़ी जब एब्जॉर्ब करती है तो ये बोलता है कैल्सिटोनिन बनाने। इट मीन वो ब्लड का कैल्शियम निकालने में किडनी मेहनत करके उसको फेंक देती है, नहीं फेंक पाई तो किडनी स्टोन होता है। तो इसका काम है उसको ठीक रखना, इंफ्लेमेशन को, या अल्सर है उसको हील करना, जैसे पाइल्स में भी हेल्प करेगा, माउथ अल्सर में हेल्प करेगा, ड्यूओडेनल अल्सर में हेल्प करेगा, स्टमक अल्सर में हेल्प करेगा, इंटेस्टाइन की इंफ्लेमेशन, कोलाइटिस, सादी भाषा में कहो तो लिप से लेकर एनस तक जो भी प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करता है। इसलिए कोई भी चाहता है कि अपनी सिस्टम को करेक्ट करना है, और हमारे यहां क्या कहावत है, मध्य प्रदेश ठीक तो पूरा देश ठीक है कि नहीं, तो मध्य प्रदेश ठीक रहता है इसी से भाई, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा जिसको ठीक रहता है, जो इसके अंदर आईजीजी में है। अब है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये देखिए इस तरह, ये कुछ मैंने बताया कि सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा हेल्प करता है, और ये जो है रिपेयरिंग होना शुरू होता है अंदर की जो मेम्ब्रेन्स है, आपको रिपोर्ट दिखेगा जिसमें ऐसा बताया जाता है कि नहीं। अब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करता है, कैंसर में हेल्प करता है, कैंसर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, हार्ट डिजीज में इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज में इंपॉर्टेंट है, इस तरह एचआईवी के अंदर भी हेल्प करेगा, टी सेल्स की रेगुलर एक्टिविटी को बढ़ाएगा, टी सेल यानी कि जिसके जरिए हम ये कमांडो है, फाइटिंग एजेंट है। ग्रोथ हॉर्मोन्स जो है वो शरीर के प्रोपोर्शनली डेवलपमेंट के लिए कब चाहिए, जब एक बच्चा छोटे से बड़ा होने लगता है तो उसका हाथ पैर शरीर प्रोपोर्शनली डेवलप होने के लिए ग्रोथ हॉर्मोन्स चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हर इंसान को ग्रोथ हॉर्मोन्स की जरूरत है उसको मेंटेन रखने के लिए बॉडी को। पहले शरीर के विकास के लिए ग्रोथ हॉर्मोन्स चाहिए, एक उम्र के बाद विकास खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी ग्रोथ हॉर्मोन्स की आवश्यकता होती है जो इसके अंदर है। अब इसकी फिर से एक बार प्राइस देखते हैं, क्यों देखना है प्राइस, अब ये प्राइस अच्छी तरह समझ में आएगी। दोबारा देखिए, नव ग्रोथ जो है फैक्टर 180,000, एपिथेलियल सेल्स ग्रोथ फैक्टर यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 90,000, फेरुलास ग्रोथ फैक्टर 1,84,800, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा 1,12,500, इंसुलिन लैग ग्रोथ फैक्टर 136,000, इंसुलिन लैग ग्रोथ फैक्टर 2,87,100। इसके अलावा इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में IgM मार्केट में मिलता है, उसका 14,800 है, ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं।
अब यहां पे कुछ ऐसी बात है जिसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसलिए रिसर्च का रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। हर चीज में यहाँ रेफरेंस लिखा हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट ने कब रिसर्च किया है, हर स्लाइड के साथ रिसर्च के रेफरेंस मौजूद है। रेफरेंस ये नीचे रेफरेंस है जो ऐसे व्हाइट में रहेगा। अभी आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑपरेशन कराने जा रहा है मरीज, मान लो किसी को हार्ट का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, 10 दिन बाद पाइल का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, या घुटने का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, आंख का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा और करना है, तुरंत इसको चालू रखो, चालू कर दो आईजीजी प्लस को, ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद। ऐसा करने से हीलिंग फास्ट होगा, क्योंकि यहां पे भी सर्जरी होती है, वहां पे एपिडर्मल फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वेल्डिंग के लिए लगेगा कि नहीं, उसके रिकवरी के लिए लगेगा कि नहीं, उस ऑर्गन को टचअप करने के लिए लगेगा कि नहीं, लगेगा ना टचअप के लिए। इसीलिए हर मरीज को ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद आईजीजी प्लस कंटिन्यू लेना चाहिए, जिससे उसके ऑपरेशन अच्छी तरह होगा, हीलिंग अच्छी तरह होगी, और हीलिंग के बाद उसको फायदा ऑपरेशन का पूरा होगा। कभी कभी क्या होता है, देखिए ये भी रिसर्च हुआ है, वन हीलिंग इससे होता है बोल के रिसर्च हुआ है, ये नीचे जो भी लिखा है ना, ये रिसर्च के लिखा है, देखिए यूके में रिसर्च हुआ है, हाँ, तो ये नीचे रहेगा, ऊपर उसका फंक्शन रहेगा। डायबिटीज के अंदर जख्म हील नहीं होता है, क्यों? एक तो लो इम्यूनिटी, फाइब्रोब्लास्ट एंड एपिडर्मल की कमी, एक तो लो इम्यूनिटी और दूसरा एपिडर्मल फाइब्रोब्लास्ट की वजह से होता नहीं है। जख्म जब हील नहीं होगा तो ये जख्म बढ़ते 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 बोन तक जाता है, फिर इंफेक्शन होता है, पैर काटने की नौबत आती है। ऐसे केस में आईजीजी प्लस दो दो गोली दो बार या दो दो गोली तीन बार भी चूस के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए डायबिटीज के अंदर जैसे ये कोई जख्म हील नहीं हो रहा, पाइल्स में या कोई दूसरे तरह कहीं भी हो गया, वो भी डायबिटीज नहीं है तो, और डायबिटीज में भी जख्म है तो भी यही हील करेगा आईजीजी प्लस। कोई इंसान जल गया है, रिसर्च हुआ, देखिए रिसर्च का नीचे रेफरेंस दिया हुआ है हर पेज पे। अगर कोई जल गया है तो जलने से क्या होता है, जलने के बाद फास्ट रिकवरी के लिए एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर चाहिए, इंफेक्शन के बचने के लिए इम्यूनो मॉड्यूलेटर चाहिए। तो इस तरह ये जो जले हुए केस में भी ये आईजीजी अनबिलीवेबल वर्क करेगा। एक एक गोली चार बार आप चूसने को दे सकते हैं, कोई जला हुआ कोई केस ऐसा है जिसको जल गया है तो। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसके अंदर आंतड़ियों में जब खराबी आती है तो उसमें भी आईजीजी हेल्प करेगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि अल्सर हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, जिससे वजन घटता है, स्टमक पेन होता है, सब कुछ होता है, ये हेल्प करेगा। जख्म को हील करने के लिए ड्यूओडेनल अल्सर, देखिए इस तरह वो मेडिकल रिपोर्ट निकाला जाता है ना चेकिंग में, एंडोस्कोपी वगैरह अलग अलग चेकिंग, तो इस तरह का रिपोर्ट रहता है, तो उसको हीलिंग करने में हेल्प करेगा। फैटी लिवर, इन दिनों बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है फैटी लिवर, जिसका भी पेट थोड़ा बाहर हो, ऐसे 100 लोगों का चेकिंग करेंगे तो 40 या 45 को फैटी लिवर मिलने की चांस रहते हैं। ऐसी कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे चल के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ लीवर पे होने वाला है, लीवर की बात है इसलिए बता रहा हूं कि हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पुर्जा लीवर है, इसलिए कि लीवर 500 से ज्यादा डिफरेंट प्रकार का केमिकल बना रहा है, 1000 से ज्यादा डिफरेंट प्रकार के कार्य लीवर के है। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लीवर के लिए ऑलरेडी हमने डिजाइनिंग करके रखा है। संजय मारू जी और हेमराज और भूषण जी मेरे घर आए थे, तो उनको मैंने पूरी लीवर के ऊपर जो स्लाइड मैंने तैयार कर रखी वो बताई थी मैंने, तो उसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा लीवर के ऊपर कि लीवर 500 से ज्यादा केमिकल बनाता है, 1000 से ज्यादा कार्य। इन दिनों लेटेस्ट रिसर्च ये आया है कि जिसकी भी उम्र 25-30 साल के ऊपर है, वो सारे लोगों में से करीब करीब 50% लोगों को जो भी बीमारी है वो वजह है उसकी लीवर है। यानी कि लीवर को ही समझोगे तो बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो एक ट्रेनिंग लीवर की होगी। देखिए मैं हर महीने एक ट्रेनिंग लेने वाला हूं, 10 जन हो गए तो 10 जन को भी यही बोलूंगा, क्योंकि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, ये स्टूडियो में हूं मैं भी,
रिकॉर्डिंग हो रहा है बस, कितने लोग बैठे हैं ये मायने नहीं रखता है, आगे चल के यही सीढ़ी लोगों को देखनी है बस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि घुटने के बीच गादी घिसती है, तो ये देखिए ये नजी इधर देखिए टच हो गया, ये यहाँ पे देखिए टच हो गया, यहाँ गैप है, एक्चुअली फाइन अच्छी तरह का पूरा एक लाइन गैप रहता है, गैप जो गैप दिखता है ना वो गादी रहती है, जब गादी निकल जाएगी तो दो बोन नियर आती हुई दिख रही है, देखिए जिसको कहते हैं गैप बढ़ गया ऐसा कहते लोग, लेकिन गैप घट गया भाषा उल्टी बोलते, लफड़ा है लाइफ में सब। अरे भाई गैप कम हो गया दो हड्डी के बीच का, तो बोले नहीं वो घुटना घिस गया, गैप बढ़ गया है, सब उल्टा है दुनिया में, एक्चुअली गादी घिस जाती है, गैप कम होता है, दो हड्डी नियर आती है, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। ओके ठीक है, रेफरेंस है इधर, जैसे मैंने कहा था कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इसको वापिस बनाएगा, रिसर्च से प्रूव किया, प्रूव हुआ कि बनता है, लेकिन लेने की तैयारी चाहिए रिसर्च वाले की। आर्थराइटिस एंड कार्टिलेज वॉल्यूम नंबर 9 इश्यू 2 जनवरी 2001, कितने साल पहले, 13 ईयर पहले, पिछले 200 साल पे इस काउ कोलोस्ट्रम पे रिसर्च चल रही थी 200 साल से, लेकिन इसकी एक्चुअल रिसर्च कंप्लीट हुई 1986 से 2006 के बीच में, कंप्लीट रिसर्च हो गई। इतनी बड़ी रिसर्च होने के बावजूद भी आज भी ये कॉमन नहीं बन पाया है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं इलनेस में, हम बिलीव नहीं करते हैं वेलनेस में, हम बिलीव करते हैं बीमारी होने के बाद इलाज करने में, हम बिलीव नहीं करते कि बीमारी नहीं होनी चाहिए, हमारी खुद की मान्यता बदलनी चाहिए, इसमें कोई भी डॉक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका काम है बीमारों का इलाज करना, उनका ये काम नहीं है कि बीमार आए तो उसको सिखाना तुम ये करो बीमार नहीं गिरोगे, तो धंधा कैसे करेगे भाई, समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा क्या खाने का क्या नहीं खाने का, वो कहेगा एक ही चीज मत खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। बाकी जो खाना है खाओ। तो कहने का मतलब कि कोई डॉक्टर का ये काम है ही नहीं, लोगों को हेल्थ के प्रति जगाना कोई भी डॉक्टरों का काम नहीं है, उनका काम है मरीजों को ट्रीट करना। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपका कर्तव्य बनता है आप हेल्थ की चीज सीखो, जो आज आप सीख रहे हो वैसे सीखना पड़ेगा जीवन में, और ये सीखी हुई चीज इस पे सवाल इसलिए नहीं उठाना है कि दुनिया के महान साइंटिस्टों ने रिसर्च कर दिया है सब चीजों का, ये रिसर्च के रेफरेंस दिए हुए हैं हर चीज के, ये सब मैं बोल चुका हूं लेकिन रिवाइज इसलिए कर रहा हूं रिसर्च के रेफरेंस के लिए, क्योंकि रिवाइज करने के टाइम सेकेंड टाइम इमेज बनती है ब्रेन में, क्योंकि हमारे दिमाग में अच्छी चीज ज्यादा वक्त तक टिकती नहीं है, अच्छी चीज टिकती है क्या, नहीं टिकती है, इसीलिए हम जीवन में जब चर्चा करते तो अच्छी बातों की करते क्या, आप जीवन के अच्छे सुखद एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते हैं, हमेशा हम अपने जीवन के दुखद एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, होता यही है जिंदगी में। चलिए देखिए ये एक्सरे है सर्वाइकल का, ये देखिए यहां मैंने लाइट बताई है ना, ऐसा देखो एमआरआई वगैरह में आएगा एक्सरे में कि यहां से ये जो है गादी जो है बाहर निकल के इसको दबा रही है, इसको दबा रही है, ये जो कैनाल दिख रही है ना ये ब्रेन से लेके ऐसे 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 जो जाती है ना अंदर, ये L2 तक जाती है, उसके अंदर एक प्रवाही रहता है, वो ब्रेन से लेके L2 तक घूम के वापस ब्रेन में जाता है, वो अंदर जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड है जिसके बारे में मैंने कहा, और ये बाहर जो है ना उसको वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, यानी रीड और स्पाइनल कॉलम अलग है, स्पाइनल कॉर्ड अलग है। तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड पे जब प्रेशर आता है ऐसे तो तकलीफ शुरू होती है। हमारी वर्टेब्रल कॉलम 33 वर्टेब्रे से बनी है, 33 वर्टेब्रे 33 मनके से बनी है। एक उम्र होने के बाद पेशेंट आता है मेरे पास, कई पेशेंट आते कहते डॉक्टर साहब, उम्र वाले पेशेंट, डॉक्टर साहब मनका घिस गया है, डॉक्टर साहब मनका घिस गया है। अरे उन्होंने कहा ये मन का भी घिस जाएगा, वो मन का भी घिस जाएगा, यही है जिंदगी, मन का घिस जाता है। तो हाँ मैं बात कर रहा था 33 वर्टेब्रे हैं, शुरुआत के 7 वर्टेब्रे को सर्वाइकल कहते हैं,
बीच के 12 को डोर्सल या थोरेसिक कहते हैं, उसके बाद 5 नंबर, 5 सैक्रम और 4 कॉर्किक्स, ऐसे 33 वर्टेब्रे। ये 33 वर्टेब्रे में से 31 जोड़ी नाउस की निकलती है, जोड़ी मतलब एक लेफ्ट एक राइट, जोड़ी निकलती है नाउस की, 31 जोड़ी नाउस की, कोई हार्ट की ओर जा रही है, कोई लिवर की ओर, कोई किडनी की ओर, कोई स्टमक, कोई हथेली की ओर ऐसे जाती है, उसको कहते हैं स्पाइनल नाउस। आप तो ये मैं कैको बोल रहा हूं, अभी समझ में आएगा स्पाइनल नाउस। और हमारे ब्रेन से ये हेड को रिलेटेड 12 जोड़ी नाउस, उसको क्रैनियल कहते हैं, आई टू ब्रेन ऑप्टिक नाउस, कान से जाती है ऑडिटरी नाउस, न्यूरोलॉजिक नाउस, ऐसे पूरी 12 जोड़ी नाउस हमारे हेड टू ब्रेन और 31 जोड़ी नाउस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा ब्रेन जो है, ध्यान दो, हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, हमारा ब्रेन वाया स्पाइनल नर्व्स हमारे ऑर्गन के साथ बात करता है, बात करता है, ध्यान दो, बात करता, यानी कि कम्युनिकेशन दोनों के बीच हार्मनी रहती है। मान लो कि आपने ज्यादा खाना खाया तो हमारे ब्रेन को पता चला, वो वहां से कम्युनिकेशन सिस्टम चलती है, सेट करता है सब। ऐसे हर ऑर्गन का फंक्शन स्पाइनल नर्व्स ठीक रहने से ठीक रहता है। मान लो कि वो स्पाइनल नर्व जो स्टमक को कनेक्टेड है, तो हमारा स्टमक और ब्रेन आपस में ठीक से बात नहीं कर पाएगा तो स्टमक का फंक्शन बिगड़ेगा। यानी कि जो ऑर्गन की नर्व्स पे रीढ़ की हड्डी में दबाव आता है, दबाव दो तरीके से आएगा, एक है मस्कुलर स्पाज्म, जकड़ जाने से। स्नायु कब जकड़ते हैं? जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो मसल्स वीक होते हैं, जकड़ेंगे, और हम उसको मूवमेंट नहीं करेंगे तो जकड़ते। लैक ऑफ टॉनिफिकेशन एंड लैक ऑफ प्रोटीन, इसकी वजह से मसल स्टीफ होते हैं। मसल स्टीफ हो गए तो नर्व्स पे दबाव आएगा, तो भी ब्रेन एंड ऑर्गन का कम्युनिकेशन बिगड़ता है। दूसरा कारण ये, दूसरा कारण क्या है? जिस वर्टेब्रे में से जो नर्व्स निकल के जिस ऑर्गन की हो जाती है, वहां पे दबाव आएगा गादी का, तो वो ऑर्गन और ब्रेन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो वो ऑर्गन कम या ज्यादा केमिकल बनाएगा, उसका रिएक्शन दूसरे ऑर्गन, तीसरे ऑर्गन, पूरी बॉडी की एक बायोकेमिकल जो रिदम है वो चेंज हो जाती है, बायोकेमिस्ट्री, और इंसान को डिसीज होती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जिसकी रीढ़ की हड्डी सलामत है वही जिंदगी में कुछ कर सकता है। लेकिन हम रीढ़ की हड्डी के लिए क्या करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हर इंसान को रीढ़ की हड्डी की 5 मूवमेंट करनी चाहिए, जिसको करने के लिए 2 मिनट लगता है, 2 या 3 मिनट, दिन में 2 बार कर सकते कि नहीं। हम सामने झुक सकते हैं, पहली मूवमेंट, हम पीछे झुक, लेकिन सामने वाली मूवमेंट हमारी होती है, पीछे वाली होती है क्या? फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग एंड ट्विस्ट एंड स्ट्रेच, 5 मूवमेंट है। रिपीट करता हूं, हम सामने झुक सकते हैं, आगे झुकना, हम पीछे झुक सकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग, हम साइड झुक सकते हैं, हम ट्विस्ट कर सकते हैं, और हम अपने आप को खींच सकते हैं, बिस्तर में लेटे लेटे या खड़े होकर हाथ ऊपर करके खींच सकते हैं। ऐसी 5 मूवमेंट दिन में 1-2 बार करो ना, जिससे क्या होगा, ये नर्व्स फ्री रहेगी। और ये डैमेज कब होता है? जब हमारे अंदर मां के दूध की ताकत जब कमजोर होने लगेगी तो डैमेज होगा। ऐसे केस में हमें क्या चाहिए? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, नर्व ग्रोथ फैक्टर चाहिए रिपेयर करने के लिए। अल्जाइमर, अल्जाइमर एक बीमारी है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ बड़ा दिमाग, उसे कहते हैं सेरेब्रम, छोटा दिमाग इधर पीछे होता है। नाना पाटेकर ने टॉप सीक्रेट सबको बता दिया क्रांतिवीर में, इधर मानने का नहीं, इधर छोटा दिमाग होता है। नाना पाटेकर ने मेडिकल का टॉप सीक्रेट पब्लिक तक लाया। तो बड़ा दिमाग सेरेब्रम, उसके अंदर याददाश्त और सारे फंक्शन उसमें होते हैं। जब उसमें डिजनरेशन होगा तो याददाश्त कमजोर होती है, याददाश्त कमजोर, मतलब भूल जाना। लेकिन भूलने में भी एक अलग प्रॉब्लम है, पुरानी यादें सब रहती है, करंट मेमोरी लॉस। अभी कहां हो आप? हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी आया था, लेकिन गजनी एक डिफरेंट केस था, वो एक्सीडेंट से अलग केस था। लेकिन ये ओल्ड एज का केस होता है डिजनरेशन, पुरानी यादें रहती नहीं, नहीं रहती। ऐसे इंसान को खाना अगर खाया है और वो भूल गया कि उसने खाना खाया है,
तो उसको खाने दो उतना ही वो खा लेगा। हाँ हकीकत है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सारा खेल यहां से चलता है, सारा खेल यहां से चलता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक छोटा बच्चा खाना खाता है, खेल कूद में लग जाता है, भूल गया कि खाया। पर हम लोग ने गलती से एक वड़ा पाव एक बर्गर खाया, रात तक याद रखेगी यार बर्गर खाया था, पचेगा नहीं तो। अरे नहीं पचेगा भाई, खाके भूल जाओ, खाके भूल जाओ। हम खाके भूल नहीं पाते हैं। अगर आपने गलती से दो वड़ा पाव खा लिया तो शाम तक अपने आप को ये करोगे, अरे वड़ा पाव खाया क्यों, नहीं खाने का था। अभी नुकसान करे, लेकिन टेस्ट के मारे खा लिया, लालच के मारे खा लिया, किसी ने खिलाया तो खा लिया, फुकट का मिला तो खा लिया। अनेक तरीके है ना, तो गड़बड़ होती है, तो अल्जाइमर जो है। तो ऐसे केस में नर्व ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, कोलेस्ट्रॉम के अनेक ग्रोथ फैक्टर्स में काम करते हैं। ये छोटा दिमाग है ना, इसका क्या काम वाला, बैलेंस है, बैलेंस, वॉकिंग बैलेंस, टॉकिंग बैलेंस, विजुअल बैलेंस, अनेक प्रकार के बैलेंस छोटे दिमाग से होता है। कई लोगों को उम्र बढ़ने के साथ इसमें भी डिजेनरेशन होता है, इसलिए बैलेंस जाता है। देखिए ये सब जितने भी है ना, सब रेफरेंस मैंने रखे हुए यहां पर, कौन से इंस्टीट्यूट ने क्या रिसर्च किया, एक पेशेंट पे नहीं किया, कई पेशेंट हाथ में लेके हजारों पेशेंट पे किया, तब जाके ये फाइनल स्टेटमेंट दिया गया है। ध्यान देना बात पे, ये जितने एक पेशेंट को लेके नहीं ये लिखा गया है, ये जो स्टेटमेंट है ये जिन्होंने रिसर्च किया है उन्होंने हजारों पेशेंट पे करने के बाद अपना रिसर्च सबमिट करके ये लिखा गया है। जैसे कि गायनेक प्रॉब्लम में जब पता चलता है गर्भ का विकास नहीं होता है अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर, तो रिसर्च हुआ है